माननीय आनंद शंकर पांडे जी माननीय राम जोइ हमारे प्रसिद्ध भूतपूर्व एम्बेसडर गुप्ता जी उपस्थित साथियों ये जो बिल है सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा बिल ये एक प्रकार से अभूतपूर्व है क्योंकि पहली बार हमारे इतिहास में इसको पार्लियामेंट में पेश करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री ने इस बिल को तैयार नहीं किया ये बिल तैयार हुआ जो हमारे संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री के दस्त से बनी है और एक काउंसिल है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनको देश में कोई पहचानता नहीं है और जो लोग उनको बारे जानते हैं जानते हैं कि ये खुद बड़े सांप्रदायिक लोग हैं मैं आपसे ये कहने चाहता हूँ कि ये बिल तो कभी विधायक कभी हमारे विधान में या हमारे विधि में कभी बन नहीं सकती क्योंकि यह हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है और हमारी संविधान का संशोधन एक हद तक ही की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल्स केस में और अन्य केसों में बुमाई के केस में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि एक मूलभूत ढांचा है हमारी संविधान की जिसको बेसिक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं जा सकता है क्रांति हो जाए तो अलग बात है सरकार को उखाड़ के फेंक के कोई मिलिट्री की रूल आ जाए वो अलग बात है लेकिन संविधानिक यानी लोकतंत्रीय तरीके से हमारी संविधान में कई ऐसे बातें हैं जिसको मजॉरिटी से नहीं बदला जा सकता है जैसे मजॉरिटी से या टू थर्ड्स मजॉरिटी से इस देश की रानी सोनिया गांधी को नहीं बनाया जा सकती है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में है कि हम रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं और इसीलिए उसको नहीं बदला जा सकता है मूलभूत अधिकार को कोई छीन नहीं सकता तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर एक ढांचा है संविधान का जिसको हम कह सकते हैं हड्डी है और वे बाकी जो हैं सब उसकी मांस है तो वो उसी लिए ये उसका बिल्कुल विपरीत है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे रामा जॉइस ने अभी जिक्र किया था 1960 में राजस्थान का केस में जहां सरकार ने फाइन किया सिर्फ़ एक कम्युनिटी को तो कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में एक कम्युनिटी को टारगेट करना अवैध है और संविधान का विरोध है और इसीलिए उसी के आधार पर कभी ये बिल पास होगी तो हमें आनंद होगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको संपूर्ण रूप से ध्वस्त करना लेकिन हम तो इस बिल का इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो मंशा काम कर रही है इसके पीछे वो मंशा को समझना चाहिए हम लोग अपनी शक्ति को नहीं समझते हमारी संख्या को नहीं समझते जब मंशा नहीं है तो ये सारी बेकार है हजार बकरी खड़े हैं एक जगह में एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ है लेकिन भागेगा बकरी और उसका पीछा करेगा शेर और अपना लंच और डिनर भी पूरा करेगा उसमें कट्ठे होकर के इस शेर का क्या मुकाबला करना ये कभी सोच नहीं सकते क्योंकि उनका मंशा ऐसा बना नहीं है वैसे ही शक्ति भी पर्याप्त नहीं है जब मंशा नहीं है सर्कस में पांच सिंह होंगे और उसके वो पिंजड़े के अंदर होगा होंगे और जब ये एक दुबला पतला रिंग मास्टर जाएगा और उनको हुक्म देगा ऊपर चढ़ो मेज पर चढ़ो सीढ़ी पर चढ़ो वो आगे मानते हैं एक एक सिंह वहाँ इतनी शक्तिशाली है कि अपने पंजे से इस, इस रिंग मास्टर को मारे तो वो मर जाएगा दांत से काटने की बात छोड़िए बट पंजे से ही काफ़ी हो जाएगा लेकिन वो आज्ञा मानते हैं क्योंकि बचपन से जब पैदा हुए हैं उस समय से इसको पाला ऐसा कि उसका मंशा ऐसा, ऐसा बनाया जाए और इसीलिए शक्ति महाशक्ति होने के बाद बहुत शक्ति होने के बाद भी ये जो सिंह है ये मानती है मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मनमोहन सिंह क्यों इतना दबता है जब प्रधानमंत्री के पद में इतनी शक्ति है वो भी सर्कस का सिंह है वो असली सिंह नहीं है और रिंग मास्टर ये इटालियन औरत है तो ताकत होने के बाद भी शक्ति होने के बाद भी तो ये मंशा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जो मंशा तैयार की जा रही है अंग्रेजों ने किया अंग्रेजी शिक्षा से झूठे झूठे इतिहास लिख करके और उससे ये सारा आज मंशा को कैसे तैयार करें कि ताकि आखिर में आप हताश हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, मुसलमान भी बन जाएं, ये इसके पीछे मंशा है और इसीलिए इसको डट के विरोध करना है बिल तो आएगा नहीं लेकिन इस तरीके से धीरे 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 आपको तैयार की जा रही है और कभी आप कमज़ोर पड़ जाएं तो ये बिल आ जाएगी और बिल पार्लियामेंट में पास होना उसके बाद ही इसको क्रियान्वित करना यह आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में एक अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार होती है और छह महीने के बाद वो पार्लियामेंट में हो, पास हो सकती है और यदि एक बार ये इसको अध्यादेश में लाए छ महीने के लिए खूब करेंगे उस तक हो सकता है आपका हौसला भी टूट जाए और पार्लियामेंट में भी पास हो जाए तो इसीलिए मैं आपसे ये कहने चाहता हूँ कि हमें जागरूक रहना है और हमें आज से तैयार होनी चाहिए इसकी बुराई करना इसके लिए कदम उठाना ये करना है अब इसकी जो धाराएँ हैं इसकी तो बहुत स्पष्टीकरण दी गई है दोनों माननीय रामजोस और हमारे भूतपूर्व एम्बेसडर ने बड़े विस्तार से आपको बताई है और आप देख सकते हैं पहला है जो ये शुरुआत होती है कि समाज दो हिस्से में बटा है एक है हिंदू जिसको हिंदू नहीं कहते मजारिटी कहते हैं और मजारिटी कश्मीर में नहीं लागू होगी जिला में नहीं लागी हो लागू हो गई लेकिन प्रांत में होगी देश में होगी तो उस परिभाषा में मेजॉरिटी हिंदू ही है और कोई नहीं है और दूसरा है एक ग्रुप कहते हैं उस ग्रुप में मुसलमान है क्रिश्चियन है उसमें उन्होंने जानबूझकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी जोड़ दिया है और वो उस कहते हैं कि इस ग्रुप जो है जब भी कोई हिंसा होगी इस ग्रुप के विरुद्ध में हुआ या इस ग्रुप में किसी को चोट आया उसी को देखेंगे मजॉरिटी को कोई चोट आए बलात्कार हत्या हो इस बिल से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कर सकते ये जब विधान विधान में आ जाएगा ये हमारे कानून बन जाएगी तो इस कानून का प्रयोग नहीं हो सकेगा तो इसी प्रकार से जैसे बताया गया गुप्ता जी ने बताया आर्टिकल 70, 71, 72 या सेक्शन 70, 71, 72 उसमें लिखा है कि एक मुसलमान पुलिस स्टेशन जा कर के कम्प्लेंट देता है तो पुलिस का जिम्मेदारी क्या है जिम्मेदारी है कि इस कंप्लेंट को रजिस्टर करना है एफ में और ये मानकर चलना है कि ये सत्य है और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगे तो बदला जा सकता है में तो पुलिस ही गिरफ्तारी कर सकती है आपको कोर्ट की जरूरत नहीं ये भयंकर है उसी प्रकार से यह माना जाएगा कि जैसे आज मैं आपको भाषण दे रहा हूं यहां से निकल के आप जाकर अपने मोहल्ले में किसी मुसलमान को थप्पड़ मार दो या कुछ उसको जख्म कर दो तो ये माना जाएगा कि मैं भी उस आपको उत्साहित किया है और मेरे उत्साह आप हमसे उत्तेजित होकर हमारी भाषण को सुनकर आपने जाकर यह किया है बाद में हमें सफाई देता रहना देना होगा वो छोड़ सकते हैं परंतु वो लंबा चलेगा तो इसीलिए ये यह एक दूसरी बात है कि आप कोई एक आपके ग्रुप से जाकर हिंसा करेगा तो सारा ग्रुप का जो नेतृत्व है वो भी दोषी है ये माना जाएगा कोई प्रवचन कर रहा है साधु और ये ज्यादातर मैं बता रहा हूं ये साधु को निशाने के में है हम लोगों को कम है उसमें हमारे लिए तो दूसरे धाराएं पर साधु समाज को काबू में लाने के लिए किसी प्रवचन से कोई उठकर चले जाए और हिंसा करें तो फिर सेक्शन सेवन के अनुसार सेक्शन सेवन के अनुसार वो वो जो साधु है जिसने प्रवचन किया वो है मुख्य प्राथमिक दोषी फिर आ, मान लीजिए सेक्शन से, यो तो सेक्शन सेक्शन एट है सेक्शन सेवन में ये भी है कि एक देखता है कोई कि एक मुसलमान एक हिंदू पुरुष और एक मुसलमान महिला दोनों एक घर में ठहरे हैं अब उनका शादी हुआ होगा लेकिन प्रिजशन होगा यानी यह एक फेसी यह माना जाएगा कि इसने उसको जबरदस्ती रखा है और उसकी बलात्कार की है यह पहला माना जाएगा उसके बाद जांच के बाद उनकी शादी है यह सब पता करके उनको छोड़ा जा सकता है यह लिखा है सीधा अब आ, आ, वो जो मैंने ग्रुप की बात की थी वो सेक्शन पंद्रह 15 है पंद्रह 15 सात सात ये है। इसी प्रकार से आपको इन्होंने कहा है इसमें कि एक नेशनल अथॉरिटी ऑफ कम्युनल हारमोनी बनेगी जो प्रांतों को आदेश देगी कि क्या करना है अभी तो बिल्कुल ये तो टोटली तो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ कम्युनल हारमोनी को ये नेशनल अथॉरिटी फॉर फॉर कम्युनल हार्मोनी कौन बनाएगा कौन होंगे उसमें अधिकांश इन्हीं के लोग होंगे कौन है इनके लोग जिन्होंने ये बिल बनाई ये महारथी लोग हर्ष मंडल नक्सलाइट कम्युनिस्ट पागल यानी एक ही बात है तीनों फरा नकवी मैं नहीं जानता हूं पता नहीं आप में से कोई जानता है, है? ऐसे ही है गोपाल सुब्रमण्यम कौन है उसने कहा कि राम मित्या है और डंडा पड़ी उसको सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु केस में तो फिर वो एफिडेविट वापस हुआ माजा दारू वाला दारू वाला नजमी वजीरी पीएल जोस प्रसाद सिरीवेल्ला तीसरा सेटल वार्ड इसका नाम कहीं सुना है मैंने बहुत सच बोलने वाली है मैंने सुना है ऊषा रामनादन वृंदा ग्रोवर ऐसे लोग उसमें हैं यह है ड्राफ्टिंग कमिटी इनमें से कोई मशहूर वकील नहीं है कोई ज्ञानी नहीं है कोई किसी ने एक संविधान में पुस्तक लिखा है नहीं है इनका एक ही क्वालिफिकेशन है सब सोनिया गांधी के चमचे हैं बस इससे ज्यादा नहीं इस बुल बिल का तो अभी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में विरोध हुआ खासतौर पर लोगों ने ये नेशनल अथॉरिटी फॉर कम्युनल हारमोनी जो बनी है जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है स्टेट्स राइट्स, फेडरलिज्म का विरोध करेगा और अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है लेकिन आज पेश इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि देश में हम लोग ये चला रहे हैं ये जो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे सारी जगह में मीटिंग्स हो रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने में मीटिंग्स होने के कारण उसके डर के मारे वो सोचते हैं कि अभी इसको ठंडा होने दो तो इसलिए ठंडा होने नहीं देना है मीटिंग करते जाना है और देश भर में मीटिंग्स हो रहे हैं और देश भर में होनी चाहिए लेकिन मैं ये पहले ये ये बिल का तो विश्लेषण बहुत हो गया है तो मैं दोबारा उसमें ज़्यादा नहीं जाने चाहूँगा बट जरूर ये कहूँगा कि ऐसा बिल दुनिया में कहीं भी नहीं पास हुआ है और ये हो रहा क्यों है क्योंकि हम लोग अपने को हिंदू कहते हैं इकट्ठे भी हो जाते हैं जैसे कुंभ मेला में कौन बुलाता कोई सरकार बुलाती है आपको करोड़ों रुपये इकट्ठे हो जा करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं कोई घटना नहीं होती है कोई चोरी नहीं होती है, कुछ है नहीं कोई खबर आता है इतनी शांति के साथ इकट्ठे होते हैं अपने खर्चे में कोई हज कट जैसे सब्सिडी लेकर तो नहीं आते तो इकट्ठे होते हैं फिर फिर चले जाते हैं उसमें एक हिंदुत्व का जो एक मंशा है वो नहीं है हम हैं भगवान की पूजा करते हैं भगवान की पूजा करने के लिए सब एक ही इच्छा से आते हैं परंतु तो अपना अपना ये अलग से इच्छा से और उनको प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं ये जो जो हमारी एक आज हिंदुत्व की मंशा नहीं बनी है हिंदुओं में यही है पीछे इसके पीछे और जब इक्ठे होकर के हम साथ आएंगे और वोट देंगे क्योंकि लोकतंत्र में मैदान तो वोट ही है इलेक्शन ही है जब एक साथ होकर के वोट देंगे तब हमें इस देश में बदल लाने की संभावना है एक पुनरुत्थान लाने के लिए संभावना है आज हिंदू की कमजोरी इतनी है कि हम एक मन से हिंदू नहीं सोचते हैं हम अपने को हिंदू समझते हैं हमारे संस्कार हैं, हमारी पूजा के पद्धति है ये सब का हम आदर करते हैं दिवाली में मनाते हैं किसी को बताना नहीं होता है दिवाली मनाना है देश भर में कोने कोने में गांव गांव में लोग मनाते हैं एक जैसे कम कोई हिंदू हैं परंतु हिंदू उस प्रकार से एक मन का हिंदू नहीं है हम व्यक्तिगत हिंदू हैं परंतु राष्ट्रीय हिंदू की जो चेतना है वो नहीं है और उसी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग मुसलमान कट्ठा वोट डालता है क्रिश्चियन कट्ठा वोट डालता है हिंदू कट्ठा वोट डालने के लिए कहेंगे तो कहते हैं कम्यूनल है तो ये हमें एक मंशा पैदा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम किसी बात पर कट्ठे ना हो हिंदू का नाम लेने के लिए हमें शर्म आए और कई ऐसे संगठन भी हैं जो अपने को हिंदू कहने के लिए भी तैयार नहीं है यद्यपि उनका सारा भाषण प्रवचन सब हिंदू के नाम पर है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमें जरा इस पर सोचे? ये यह हमारी इतिहास नहीं है ये कोई ये लोग कहते हैं देखो हम तो पिटते आए हैं इसीलिए पिटते आए कि हम बिखरे हुए थे ऐसा नहीं है हम लोगों का सभ्यता इतनी थी कि जो हमारे आपस में जो हम धर्म के आधार पर व्यवहार करते थे उन्होंने हमने शत्रु जो बाहर से आए उनसे सीविक की थी हमारी धर्म थी कि कोई भी युद्ध सूर्य उदय होने के पहले शुरू नहीं होगी और जैसे सूर्य के अस्त होगा वापिस युद्ध विराम और वापिस तंबू में रात को सो और सुबह फिर आना आप जानते हैं ऐसे ही होता था खेत में लड़ाई नहीं होगी जहां जनसंख्या है जहां गांव है वहां नहीं होगी खुला मैदान में होगी जंग लड़ाई होगी युद्ध होगी खुले मैदान में कुरुक्षेत्र जैसा रावण भी जब युद्ध किया तो किला से बाहर निकला राम से युद्ध करने के लिए ये नहीं कहा कि किला के अंदर आकर दिखाओ जैसे यूरोप में होता था किला को अंदर जाना पड़ता था तो खुले आ आ था। और तीसरा हारने के बाद माफी मांगोगे तो सब लौटा करके उसको सम्मानपूर्वक विदा करना और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितने बार माफ़ किया सोलह बार एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था ये तो पृथ्वीराज चौहान का मूर्खता थी परंतु ये सारे नियम जो बने थे ये हमारे देश की आपस में जब लड़ाई होती थी हम इस नियम का पालन करते थे एक बार वचन दे दिया कि मैंने गलत किया क्षमा मांग लिया तो दोबारा नहीं आना है परंतु तो गौरी उस संस्कृति का था ही नहीं वो रात को आया शहरों में नगरों में घुसा तो इसके लिए हम तैयार नहीं थे और मौका मिला कभी कभी जैसे पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ ने जयचंद ने उनका साथ दिया और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके बाद सारी रास्ता खुल गए और इसीलिए जब शिवाजी गए और अफजल खान ने उनको दावत में बुलाया तो उनको पता था कि कोई संस्कार का तो नहीं होने वाला है वहाँ तो पूरी तैयारी के साथ गए तो उन्होंने कहा और गला लगाओ तो उन्होंने पंजा को उसके शरीर के अंदर कर दी और जहर से वो मर गए तो लोगों ने कई जवाहरलाल नेहरू भी लिखा ये तो बड़ा गद्दारी थी कि भोजन में बुलाया और इसने उसको मार दिया शिवाजी ऐसे नहीं थे वो पहले राजा थे जिनको समझ में आई कि नियम बदल गया है तो जिनके साथ लड़ना है तो हम भी अपने नियम अपने आपद धर्म के अना धर्म के आधार पर नहीं आपद धर्म के आधार पर हम युद्ध करेंगे इसीलिए ये विजय हुए हमने पूजा की जो भी हारे जैसे राणा प्रताप हार के घास की रोटी खाए लेकिन वो झुके नहीं उसके जो रिश्तेदार थे मानसिंह जयपुर में वो तो महल में रहे क्योंकि उन्होंने अकबर को आ, हिंदुस्तान की बादशाह मान ली तो अकबर ने उसको सब दे दिया उन्होंने कहा नहीं मैं घास की रोटी खाऊंगा। तो आज तो राजस्थान में पूजा होती है राणा प्रताप की फांसी को कोई नहीं मानता है कि बड़ा होशियार आदमी निकला ये तो महल में ही रहा बचपन से अंत तक सुख ही पाया ऐसा हम नहीं सोचते वैसे ही रानी झांसी सुभाष चंद्र बोस दक्षिण में रानी चन्नम्मा कर्नाटक में और तमिलनाडु में कट्टभमन जिनको अंग्रेजों ने फांसी दिया था और राजा था उसको फांसी दिया चौराहे में लेकिन उसी की पूजा होती है तो हमारे देश में हम लोगों ने कभी नहीं भूला जो साहस के साथ हारे भले परंतु हिले नहीं झुके नहीं ऐसे लोगों को हमने पूजा की हमें कई नियम नए नियमों का सीखना होगा क्योंकि ये जो विदेशी आ रहे हैं आज ये नए तरीके से आपके साथ लड़ रहे हैं आपके दिमाग में घुस रहे हैं अब वो युद्ध नहीं होगा कि बड़ी सेना आएगी सीमा पार करेगी ये तो दिमाग में करेंगे नए नए तरीके से आपको कंट्रोल करेंगे आज हमारे कई मंत्री के कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है क्यों क्योंकि वो हवाला के ज़रिए पैसा भेजते हैं 2G का पैसा ऐसे ही गया है दुबई जाती है दुबई में से वहाँ से वो फिर ट्रांसफ़र होती है डॉलर में अकाउंट में और दुबई में आप कोई फाइनेंशियल काम नहीं कर सकते जब तक आई एस आई को आप दक्षिणा नहीं दोगे तो ये सारे हवाले वाले उनको बताते हैं कौन सा मिनिस्टर का कितना अकाउंट कितनी पैसा हम जमा कर रहे हैं सारे इनके पास हैं और इसीलिए ये रोना की अफजल ये कह अफजल गुरु उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दिया किसी मंत्री को हिम्मत है उसको फांसी देने के लिए उसका बैंक अकाउंट पेपर में आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा इसीलिए नहीं करेगा कसाब चिकन तंदूरी खा के ले कसाब खुद कहता है कि इतना सुखी जीवन मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं पाया था जो इंडिया के जेल में मुझे मिल रहा है तो ये सारी ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ये नया तरीका है काउंटरफिट करेंसी से और आज हमारे दिमाग में ये तैयार की जा रही है कि हमारी इतिहास ऐसी है ये ऐसे है ये तो एक देश कभी नहीं था अंग्रेजों ने इसको साथ बनाया उसके संदर्भ में और इसमें आप देखिए मुसलमान का दिमाग साफ है और इसीलिए मुसलमान को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं ये कमजोरी हमारे में है जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा मुसलमान भी ठीक हो जाएगा हमारे देश में हमारी मजबूरी हमारी कमजोरी है हिंदू में एकता ना होने का देखिए मुसलमान इतनी उसके स... दिमाग साफ़ है कि सऊदी अरेबिया में वो आपको मंदिर नहीं बनाने देगा वो आपको दिवाली घर के अंदर नहीं मनाने देगा वो आपको नौकरी में जाते समय रामचंद्र जी का फोटो रखने नहीं देगा पॉकेट में और यदि आप अभी किसी का मैंने सुना है कि किसी को ये बड़ा हल्ला हो गया है कलकत्ता में कि किसी ने आ, दिखाया किसी क्रिकेटर का रामचंद्र के रूप में या ये ये जो विराट कोहली को रामचंद्र के रूप में और मुसलमान उसको नमस्ते कर रहे हैं तो उसमें दंगा हो गया कलकत्ता में तो वो वहाँ तो वो आपको आप अल्पमत में हैं वो बहुमत में हैं वो राज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं आप मंदिर नहीं बना सकते कोई मंदिर है सऊदी अरेबिया में आपको आप दिवाली नहीं मना सकते अब रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में नहीं रख सकते और हमारे देश में वो मस्जिद बनाएंगे सारे त्यौहार करेंगे हैदराबाद में कहेंगे रामनवमी भी नहीं कर सकते हैं और पुलिस भी उनका साथ दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने साथ दिया तो यह हमारे देश में जहाँ भी वो माइनॉरिटी में है वो जो मांगते हैं जब वो मेजॉरिटी में आएंगे वो नहीं देंगे आपको तो ये उनका दिमाग साफ है माइनॉरिटी में मांगते रहो और मेजॉरिटी में मत दो, दो कुछ जो माइनॉरिटी मांगे माइनॉरिटी को दबा दो मरा दो काट दो धमका दो जो भी करना है करो तो इनके दिमाग साफ़ होने के कारण हमें समझना चाहिए मस्जिद को तोड़ नहीं सकते हो यहाँ कहते हैं राम मंदिर बनी बनने नहीं देंगे यद्यपि ये मस्जिद राम मंदिर तोड़ करके बनी बनाई गई थी काशी विश्वनाथ में दिखाई पड़ती है कि काशी विश्वनाथ को तोड़ के मस्जिद बनी है वृंदावन में दिखती है वो कहते हैं है, मस्जिद को नहीं तोड़ सकते लेकिन सऊदी अरेबिया में सब मस्जिद तोड़ते हैं सरकार तोड़ती है सड़क बनाने के लिए तोड़ती है एक बार राजा को सऊदी अरेबिया का राजा हैं उनको मक्का में अपना महल बनाना था तो उन्होंने वहाँ एक बिलाल मस्जिद थी उसको तोड़ दिया अब कई लोगों ने कहा है कि कम से कम इसको नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि ये बिलाल मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ मोहम्मद नमाज पढ़ता था तो कम से कम इसको छोड़ देते तब सऊदी अरेबिया के ने बयान निकाला औपचारिक बयान कि ये जो लोग कह रहे हैं ये मूर्ति पूजा के रास्ते में आ गए हैं नमाज पढ़ने की सुविधाजनक है मस्जिद और इसीलिए मस्जिद को तोड़ के दूसरी जगह बनाई जा सकती है और इसीलिए हम वो जो मस्जिद है उस मस्जिद को दूसरे जगह में बनाएंगे मोहम्मद वहां नमाज पढ़े तो क्या है वह हम मूर्ति पूजा नहीं मानते और जिन्होंने महल बनाया हमारे देश में कितने मस्जिद सड़क के बीच में है उसको हटाने को हिम्मत है पाकिस्तान का भी ऐसा ही होता है वो मस्जिद को तोड़ते हैं ये मुशरफ ने तो छः मस्जिद एक दिन तोड़ दी थी सड़क बनाने के लिए तो हमारे देश में वो कहेंगे नहीं मस्जिद नहीं तोड़ सकते पर तो जहाँ वो मजारिटी में वहाँ मस्जिद तोड़ सकते हैं उनका दिमाग साफ है आपका दिमाग साफ नहीं है कश्मीर में जो नियम चलती है वो दूसरी जगह में नहीं चढ़ेगी वहाँ तो मस्जिद तो मंदिरों रोज तोड़ रहे हैं कोई नहीं बोलता है वहाँ से उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया बाहर और वो कैंप में ठहरे हैं हम क्या कर पा रहे हैं इन सबको वापस भी नहीं भेज सकते वो हैं वो मार देंगे तो उनको मार काट देंगे हम कुछ कर तो सकते हैं हमारे देश में एक करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं उसमें से दस लाख को छांट लीजिए जो आज भी युद्ध करने की स्थिति में है उनको पैसा और और हथियार दे दीजिए और कश्मीर में जाकर बसिए तब हम कर सकते हैं एक हवा पैदा कर सकते हैं एक माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें बाद में कश्मीरी पंडित जा सकेंगे पर उसके लिए हिम्मत चाहिए लोग कहते हैं वो तीन धारा रास्ते में आ जाएगी बट तीन धारा तो बनी थी कि ये जो धार्मिक अनुपात है इसमें बदल नहीं आनी चाहिए लेकिन टेररिस्ट ने तो धार्मिक अनुपात को बदल दी हिंदुओं की संख्या को जीरो कर दी वहाँ तो ये तो 370 के खिलाफ ही है तो हम तो 370 तो के मदद के लिए 10 लाख भूतपूर्व सैनिक को भेजने चाहते हैं इनको तीन सौ सत्तर हटाना है तो अलग बात है वो भी हट सकता है पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है सिर्फ राष्ट्रपति का एक एक एम, नोटिस चाहिए एक बयान चाहिए कि यह हट गया तीन सौ सत्तर धारा पढ़ो वो एकमात्र धारा है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि गवर्नर से सलाह कर लो और गवर्नर तो आप ही अपॉइंट करते हैं आप अच्छे आदमी को आ, हमारे रामा जोइ को दोबारा गवर्नर बना दो कश्मीर का तो ये सारी चीज़ें मंशा के सवाल हैं मैं मुसलमान को इसीलिए दोष नहीं देता हूँ कि जब आप इतने कंफ्यूजन में हो वो क्यों आपकी बात माने ऑस्ट्रेलिया में एक दिन वहाँ एक इमाम ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है हमें शरिया चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एक महिला है उसने कहा कि आपको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाली है तो उसी के दूसरा दिन में सारे मुसलमान के एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया कि ये मुला पागल है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है हम उसी को मानेंगे अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है हिंदुस्तान में नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मेजॉरिटी पिलपिला है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो मेजॉरिटी है वो सक, वो मजबूत है एक साथ वोट करने वाली है और वो पीट देगी अमेरिका के न्यूयॉर्क टावर्स को बम किया वो अफ़गानिस्तान से आए कोई सबूत वबूत अमेरिका ने नहीं दिया जाकर अमेरिका अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया हमारे यहाँ इतने कैंप्स हैं पड़े हुए हैं उसको बमबारी करनी चाहिए हमारी एयरफोर्स से पर हमारे मंत्री को कहीं अकाउंट बाहर निकल जाएगा स्विट्ज़रलैंड का वो डर के मारे वो मरे हैं तो इस परिस्थिति में आपको यही सोचना है कि आज समस्या है हमारी मंशा का और उस मंशा पर प्रहार हो रही है ये उस मंशा इस इस मंशा को बदल के आज एक विराट हिंदू बनने की आवश्यकता है जिस दिन आप विराट हिंदू बनेंगे मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिंसा करनी चाहिए आपकी संख्या पर्याप्त है जैसे आपकी संख्या की ए, 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 एकता हो गई है सब कट्ठे हो गए हैं कट्ठे होकर वोट डालेंगे तो पहला हिंदू सामने आएगा मुलायम सिंह यादव कहेगा मैं भी हिंदू मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ रोज़ हनुमान का पूजा करता हूँ ये सारी बातें सही भी है धोती कुर्ता पहनता है और वो मुसलमान वो हनुमान का पूजा सुबह करता है और जब आपको वो देखता है कि आप हिलने वाले नहीं हैं वो आपको रास्ता भी दे देगा मैं जब मंत्री था लॉ मिनिस्ट्री मेरे हाथ में थी तब आ, आ, मेरे कमरे में आए थे एक सेशंस के जज जिसका नाम था पांडे उसने कहा मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है मैंने कहा क्या, क्या अन्याय हुआ कहा कि मुझे हाई कोर्ट बनने की चांस आई थी और वीपी सिंह सरकार ने मुझे मेरा नाम काट दिया मैंने कहा क्यों काटा तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं फैज़ाबाद का सेशन जज हूं और मैंने ताला खोलने की आदेश दी उस कारण से नहीं दिया मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फाइल मंगवाया तो देखा वीपी सिंह की लिखी हुई है कि इस आदमी को कतई नहीं बनाना है क्योंकि इसने ताला मस्जिद बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की आदेश दी कांग्रेस को पसंद नहीं है मेरी बात मुझे लगता है एन डी एम सी उन्हीं का है तो तो फिर मैंने कहा कि उसको अच्छा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है परंतु तो मेरी समस्या आई कि हमारी जो चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री थे ये सरकार के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है वो तो मुलायम सिंह है तो मुझे उसे सलाह तो करनी पड़ेगी तो मैंने मुलायम सिंह को फ़ोन किया मैंने कहा मुलायम सिंह मैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको सूचना देने के लिए आपके से सलाह लेने के लिए नहीं तो मैंने कहा क्या सूचना है मैंने कहा वो फैजाबाद का जो सेशन जज है उसको मैं हाईकोर्ट जज बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा ओह वो पांडे मैंने कहा वो पांडे उसने ताला खोलने का आदेश दी मैंने कहा दी अरे मेरा नाक कट जाएगा मेरे बेइज्जती हो जाएगी मत करिए मैं ये कभी नहीं मान सकता तो मैंने कहा मैंने कभी आपकी सलाह मांगने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने सिर्फ आपको सूचना देने के लिए ताकि अखबार से ना आपको पता लगे मैं पहले बता रहा हूँ कि इसको जज बना रहा हूँ तो फिर उन्होंने कहा अच्छा है, आपके दिमाग बन गई है तो फ़ाइल मुझे भेज दो और मैं आपके लिए रास्ता ढूंढ दूंगा तो उसने फ़ाइल मुझे भेजा उसमें लिखा कि पांडे निष्कपट ईमानदार ज्ञानी व्यक्ति हैं लेकिन क्योंकि उसने ताला खोलने के आदेश दी इसीलिए उसको कतई नहीं बनाना तो मैंने बना दिया बाद में ये आज़म खान सब चिड़ गए मुझसे तो मैंने कहा मैं क्या करूं? ये मुलायम सिंह कहता है कि ये बेईमान है चोर है बदमाश है मैंने ही इसको जज बनाता तो, तो कहता है कि ये ईमानदार है निष्कपट है ये ज्ञानी है और उसकी जजमेंट नहीं पसंद आई इसीलिए मैं नहीं जज बनाऊंगा तो मैंने पांडे को जज बनाया और मध्य प्रदेश में कहा मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में मत रहिए आप मध्य प्रदेश में जज बनिए ऐसे ही चाइना के कैलाश को कब्जा करके बैठी है और दरवाज़ा बंद कर दी थी उन्होंने तब मैं चाइना गया था तब मोराजी ने कहा कि ये कभी नहीं मानेंगे ये कम्युनिस्ट है तो तीन साल के बहस में वो मान ली मैं आपको कहता हूं कि जिस दिन आप अपने वसूल पर अपने मुद्दे पर अडिग रहेंगे दूसरे लोग आपसे एडजस्ट करेंगे जिस समय आपका पिलपिला समझौता करने की लिपा पोती करने की मंशा आ जाएगी दूसरे लोग आपको धक्का देंगे आपसे काम लेंगे आपका काम नहीं करेंगे तो ये है मंशा जो तैयार होनी चाहिए जब मैं कहता हूँ विराट मैं किसी गुंडागर्दी या पीटने का या मारने का इसकी मैं आपकी कभी सलाह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आज हमारी देश में लोकतंत्र है हमारे देश में तानाशाही होती तो ये सब चल सकती थी फिर तो सुभाष चंद्र बोस सबको बनना पड़ता लेकिन आज तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र मेजोरिटी पर चलती है हम तिरासी परसेंट हैं इस तिरासी परसेंट में चालीस परसेंट इकट्ठा वोट दे देंगे तो आपको तो टू थर्ड्स मेजोरिटी पार्लियामेंट में मिल जाएगी एक शुद्ध हिंदू सरकार बन सकती है आपको पचास एम जो निसंकोच आपको हिंदू अपने को हिंदू कहने के लिए तैयार हैं तो फिर वो पचास के बिना कोई सरकार चला ही नहीं सकती है पार्लियामेंट चल ही नहीं सकेगी पचास से ही चल जाएगी परंतु तो वो वो अपनी दृढ़ता होनी चाहिए तो ऐसे आज मैं कहूँगा इस बिल के ज़रिए लोगों को तैयार करनी चाहिए मैं ये कहता हूँ कि इस बिल को लेकर जहाँ जहाँ भी आप हैं वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दे दीजिए कि सोनिया गांधी सेक्शन 153 ए 153 बी 295 ए फाइव नॉट फाइव टू में अपराधी है और इसीलिए एफ आई आर रजिस्टर करिए पुलिस को हिम्मत नहीं होगी वो ना कहेंगे वो ना लिखित में लेकर आ जाइए मुझे दो सौ ऐसे नाम मिल जाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा और कहूँगा कि आदेश दीजिए पुलिस स्टेशन को कि वो एफ आई आर रजिस्टर करें तो सेक्शन है पहला वन फिफ्टी थ्री ए दूसरा सेक्शन है 153 बी तीसरा सेक्शन है 295 ए और चौथा सेक्शन है 505 नॉट फाइव ब्रैकेट टू आप वन ए एंड बी रखने से पर्याप्त है ये जरूरी नहीं है कि आप सारे दें वो बाद में भी जोड़ा जा सकता है जैसे मैंने राजा को पहले बनाया अब चिदम्बरम का पीछे पड़ा हूँ तो ये हमारे क्रिमिनल लॉ में कभी भी जोड़ सकते हैं जैसे मसाला आएगी जैसे जानकारी आएगी वैसे कर सकते हैं तो आप एक सेक्शन दे दीजिए या सारा सेक्शन दे दीजिए आईपीसी में और सिर्फ जा करके एक ये मसौदा सोनिया गांधी ने तैयार की है ये हिंदू की दिल में ठेस पहुंचती है ये देश में एक अराजकता पैदा करने की साजिश है और इसीलिए हम इनके ऊपर एफआईआर चाहते हैं तो पुलिस उसको स्वीकार करेगी आपकी चिट्ठी को और फिर ना आपको लिखना पड़ेगा उनको और ना लिखने के बाद वो ना मुझे दे दीजिए और मैं उस सबको इकट्ठा लेकर के कोर्ट में जाकर कहूँगा सोनिया गांधी पर के नाम पर एफ दर्ज करिए तो इसी प्रकार से हम तो इनको चुनौती देते रहेंगे लेकिन ये सब बेकार होगा जब तक ये आपकी मंशा तैयार नहीं होगी ये जो हिंदू हिंदू इकट्ठा होना है हिंदू विराट होना है हिंदू कभी हीन भावना नहीं होगी लिपा पोती नहीं होगी अगर मगर नहीं बोलेगी ये जब हिंदू खड़ा हो जाएगा इस देश में किसी